जो ओलंपिक में खेलने जाता है उसका जो प्रथम गुरु होता है वो PTIUDP होता है कहीं ना कहीं, वो हमारे स्कूलों से खेल के जाते हैं। जो बच्चे आज ये खेल रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर ओलंपिक में भी खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भिवानी जो है ना, भिवानी हर खेलों में आगे है, चाहे वो बॉक्सिंग की बात हो, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कोई भी बात हो, जितना भी हरियाणा के अंदर जितने भी खेल होते हैं उसमें अंदर मोस्टली खिलाड़ी भिवानी के होते हैं। और रही बात दूसरी, यहाँ जितने भी आयोजन हो रहे हैं इनकी व्यवस्था, जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सब स्तर करेगा, और यहाँ जो और ऑर्गेनाइज कमेटी है जो उन्होंने ग्राउंड में मार्किंग वगैरह का पानी की व्यवस्था है वो यहाँ से हमारा शिक्षा विभाग करेगा। दोनों का तालमेल है, मौलिक शिक्षा विभाग का और शिक्षा विभाग का, दोनों ने मिलकर करवा रखे हैं। अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 चारों आयु वर्ग की प्रतियोगिताएँ हैं, और इसमें सभी जी हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, जूडो है, कबड्डी है और कुश्ती है, और शूटिंग के भी, स्विमिंग के भी, चेस भी है, ताइक्वांडो, सॉफ्ट बॉल, चेस बॉल, मतलब जितने भी ओलंपिक में 20 खेल होते हैं वो हैं, और नॉन ओलंपिक वाले भी 10 खेल में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब ठीक है जी, नेटबॉल चल रहा है और हमारे जो है सभी खंडों से बच्चे आए हुए हैं और खुल के भाग ले रहे हैं, और इसके बाद जो है ये जो बच्चे यहाँ से जीत कर जाएंगे वो हमारे राज्य स्तर में जाके खेलेंगे, और राज्य स्तर के खेल भी जो है 1 सितंबर से शुरू हैं। यहाँ हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी 3 खेलों का आयोजन किया जाएगा, नेटबॉल का और अपना एथलेटिक्स, नेटबॉल, बास्केटबॉल, इन सभी का यहाँ किया जाएगा। लगभग तो मैं कहूँ तो 500-600 बच्चे तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, और सभी खेलों के बच्चे हैं, जो जो यहाँ से जो टीम आ रही है जीतकर वो सारी टीमें का यहाँ पे खेल का आयोजन किया जा रहा है। कि भिवानी तो बिल्कुल जो है हब बना हुआ है स्पोर्ट्स का, हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आप जिला स्तर से लेकर अगर आप ओलंपिक तक देखेंगे तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बढ़िया पार्टिसिपेंट है, और जो बच्चे ओलंपिक में पदक लेकर आते हैं वो बच्चे हमारे स्कूलों से ही निकलते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ से वीरेंद्र जी हो जो हमारे बॉक्सर हैं, चाहे हमारी बबीता हो, चाहे हमारी विनेश हो, सभी हमारे स्कूलों से ही निकल कर ऊपर पहुँचे, तो भिवानी में बहुत बढ़िया खेला है। आगे का लक्ष्य क्या है? हम स्टेट में खेलेंगे, बाद में वो नेशनल स्टेट में खेलेंगे। मेरा नाम शिवम है, मैं भिवानी भीम स्टेडियम में खेलने आया हूँ, और मैं स्टेट तक खेलना खेलूँगा और अपने देश का नाम रोशन करूँगा।